क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड, कब जो है टीचिंग हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। यस रंजन, गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी एक का चार बता रही हैं और स्मिता भी चार बता रही हैं, अनुज भी चार बता रहे हैं। जब पहला ऑप्शन दिया है, देखिए कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाएगा, यानी कि जब हम क्लासरूम में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करेंगे तब प्रभावी होगा क्या? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि लेक्चर मेथड हो गया। देखो लेक्चर मेथड को उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि इसमें जो लर्नर्स है उनका पार्टिसिपेशन कम होता है ना, जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या होता है इसमें, कम हो जाता है, इसलिए इसको बहुत बेहतर तरीका नहीं माना जाता है पढ़ाने का, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, यानी कि टीचर सेंट्रिक, जो टीचर डायरेक्टेड मेथड्स है, जबकि आपको पता है कि जो करेंट पेडागोजी है वो किसको फोकस करती है, चाइल्ड सेंट्रिक को या लर्नर सेंट्रिक को, है ना। हम अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करने को वरीयता देते हैं, ना कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक को महत्व कम दिया जाएगा कक्षा में, वो सहायक के रूप में काम करेगा, मुख्य महत्व किसको होगा, बच्चों को, ताकि वो अपने अनुभव से, अपनी बुद्धि से, अपने क्रियाकलाप से सीख सके, है ना, करके सीख सके काम। तो फोर्थ आप लोग की तरफ से आंसर आ रहा है, दो अभी तक तो है नहीं। तीसरा ऑप्शन, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में नहीं, ये दोनों ही उतने वरीयता वाले नहीं है, उतने अच्छे नहीं माने जाते, तो ये होगा नहीं। चौथा है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियां, एकदम करेक्ट है कि भाई इंटरैक्टिव होगा, डिस्कशन ओरिएंटेड चीजें होंगी, आप भी कुछ बात करोगे तो बच्चों को भी अवसर होगा बातचीत करने का, तो परस्पर बातचीत के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, ग्रुप लर्निंग के विधि से बच्चे आपस में चर्चा कर सकें, टीचर के साथ चर्चा कर सकें, अंतः क्रिया कर सकें, और साथ ही साथ फोकस किस पे रहेगा, चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि बच्चों को जो समझ आए, बच्चों की जो जरूरत है, बच्चों की जो आवश्यकता है, उसको हम केंद्र में रखकर पूरी प्रक्रिया संचालित अगर करते हैं तो हमारी टीचिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। निमिषा आंसर करिए आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, ये हो गया फर्स्ट का फोर, क्वेश्चन नंबर टू का बताइए, 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, फटाफट से करिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, क्या कह रहा है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, यानी कि एक जो है बेहतर कक्षा कक्ष शिक्षक जो होगा, यानी कि क्लासरूम टीचर जो होगा अच्छा, वो कौन सा होगा, किसको माना जाएगा अच्छा टीचर क्लासरूम के अंदर, ये बताना है ना। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए आप। पहला ऑप्शन दे रहा है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, यानी कि नर्चेज लर्नर्स नेचुरल क्यूरियोसिटी, जो बच्चों की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, एक्सप्लोर करने की, है ना, उनको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की, उसको शांत करता है। दूसरा इनकरेजेज लर्नर्स टू इंगेज इन डायलॉग, बच्चों को वो इनकरेज करता है डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, है ना। तीसरा है इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, यानी कि बच्चों को जीवन की जो वास्तविक स्थितियां हैं उनसे जोड़ने का काम करता है। तो देखो ये तीनों ही विधियां अच्छी विधियां हैं कि नहीं शिक्षण की, एक तो भाई बच्चों के सवालों का आप समाधान करो, बच्चों के प्रश्नों का समाधान करो, बच्चों के डाउट्स क्लियर करो, उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो उनकी उत्सुकता है चीजों को जानने की, समझने की, पहचानने की, उसको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करो, एक तो ये रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या रिक्वायर्ड है, दूसरा यह है कि आप बच्चों को इनकरेज करो कि वो बातचीत करें कक्षा में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चुप रहता है तो टीचर का रोल क्या हो जाता है कि उसको मोटिवेट करे कि भाई वो भी बाकी बच्चों से बातचीत करे, बाकी बच्चों की तरह सवालों का जवाब दे, सवाल पूछे, है ना, और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, तो वो भी अच्छी बात। तीसरी बात है इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन रियल वर्ल्ड, तो देखो जब हम बात करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो हम यही तो बात करते हैं ना कि शिक्षा का उद्देश्य दरअसल सिर्फ अंक अर्जित करना या सिर्फ जॉब पा लेना या सिर्फ डिग्रीज इकट्ठा कर लेना, सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लेना, क्रेडेंशियल्स मजबूत कर लेना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है अपनी जीवन में आने वाली जो नई स्थितियां हैं, नई कठिनाइयां हैं, नई समस्याएं हैं, उनका हल ढूंढना, उनका समाधान प्राप्त करना। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम बच्चों को पढ़ाते समय उस चीज को उनके वास्तविक स्थितियों से जोड़कर पढ़ाएंगे, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है उसमें जोड़कर पढ़ाएंगे, तभी तो बच्चे ये चीज को सीख पाएंगे रियल लाइफ के लिए इस्तेमाल करना। तो इसलिए तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आप लोग दे रहे हो वही होगा, यानी कि फोर्थ, सभी के आंसर सही है इसमें, है ना, एजाज का भी, वर्षा का भी, सुकन्या का भी, अनुज का भी, प्रियंका का, आरती का, ठीक है, स्मिता का, स्वाति मीना का, गगनप्रीत का, मीनाक्षी का, सारे बच्चों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं अभी तक, और क्वेश्चन भी अच्छा है ये, मतलब अगर देखा जाए कंसेप्ट वाइज। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा,
तो इससे आपको देखो दो क्वेश्चन दो टॉपिक कहीं कहीं प्रिपेयर हो गया। एक तो ये समझ आ गया कि चाइल्ड सेंट्रिक क्या है, एक ये समझ आ गया कि भाई अच्छी कक्षा के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या नहीं जरूरी होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप, अगर कोई बच्चे से आप सवाल पूछते हो और बच्चा गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन देखो केवीएस में पिछली बार पूछे गए थे, केवीएस की पीआरटी की परीक्षा में 2018 वाले में भी ये प्रश्न आया हुआ है ना। अगर आप जो है किसी विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछते हो क्लास में और कोई विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो इसका सही तरीका क्या है? एक तो पहला दिया हुआ, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, मतलब उसको क्रॉस क्वेश्चन करोगे आप जिससे कि उसको एहसास हो जाए कि उसने जो पहला उत्तर दिया वो गलत था। दूसरा उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, आप उसको रीजन देंगे कि भाई देख तेरा उत्तर गलत इसलिए है, मतलब करेक्ट करेंगे और सही उत्तर बताएंगे, रीजन देंगे। तीसरा किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए हम कहेंगे, और चौथा सही उत्तर बता देंगे। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि पहला ऑप्शन लेके चलते हो तो पहले ऑप्शन में क्या होगा कि आप उसको एहसास करा रहे हो कि वो गलत है, तो उससे वो क्या होगा, डिमोरलाइज होगा या मोटिवेट होगा, डिमोरलाइज होगा। दूसरा उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, रीजन दे दिया आपने कि उत्तर क्यों गलत है तेरा, तो बाकी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला उसमें, बाकी बच्चों की लर्निंग का अवसर नहीं मिला उनको। और दूसरा जो पीयर लर्निंग होती है, जो कक्षा के अंदर एक दूसरे बच्चों से सीखने की जो एक एक तरीके से अवसर होता है, वो भी यहाँ पे हमारा कमजोर पड़ जाएगा। तो वर्षा इसीलिए दूसरा आंसर नहीं होगा, हम सीधे सीधे एक बच्चे को अगर आंसर ना देने पे डायरेक्ट उसको लगेंगे रीजनिंग देने, तो इससे क्या होगा, एक तो वो पूरी क्लास में ऑब्वियसली फिर से हमने उसको इनडायरेक्टली यही बता दिया कि भाई तुम गलत हो, और पूरी क्लास में वो कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील करेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को वो इन्फीरियर समझने लग जा सकता है, दूसरे बच्चे उसकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, दूसरे बच्चे उसको टोंट मार सकते हैं, तो ये तरीका ना अपना के। और दूसरा क्या है कि इसमें एक अवसर हमें दिख रहा है, इसमें अवसर क्या दिख रहा है कि अगर एक बच्चे ने गलत उत्तर दिया तो उसको हम दूसरे बच्चों से अगर पूछते हैं तो जो पीयर लर्निंग है, जो एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीख सकता है, वो अवसर हम खो देंगे। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा। मीनाक्षी का 3 है, सुकन्या का 3 है, गगन का 3 है, गगनप्रीत का मतलब है ना, वर्षा का जो है 2 है, आरती का 2, तो क्लियर हुआ, एजाज का भी 2 आ रहा है, तो 2 ना होके क्या आंसर हो जाएगा सही इसका, तीसरा वाला है ना, सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर बता दिया तो फिर हम तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिए, हमें फैसिलिटेटर का काम करना है, बीइंग अ टीचर यू आर लाइक अ फैसिलिटेटर, तो आप बच्चे को हिंट दे सकते हो, प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आपने सही उत्तर ही बता दिया मान लीजिए एक बच्चे की गलत उत्तर देने पे, तो ये भी क्लासरूम की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। बेहतर यूटिलाइजेशन तब माना जाएगा जबकि आप बच्चों से उसी प्रश्न को पूछोगे और बच्चे आपको उत्तर देंगे दूसरे, उससे उसने दूसरे बच्चे को जिसने गलत बताया था उसको भी सही उत्तर पता चलेगा और बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं पीयर लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चा उस बच्चे से संपर्क करेगा, यार तुझे कैसे आता था, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिया अगर इसमें, वो बोलेगा हाँ हाँ कर दूंगा कोई बात नहीं। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तीसरा, इसमें ना बच्चे को हमने गलत ठहराया, ना बच्चे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने की जरूरत है, बल्कि उसको सही उत्तर भी अपनी क्लासरूम के अपने सदस्य से ही मिल गया, तो राइट आंसर वुड बी 3 है ना, यही उत्तर इसमें प्रेफर करेंगे। वैसे तो सारे ही सही है, गलत तो कोई भी नहीं है, बट पूछा क्या है इसमें से कि भाई बेस्ट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कहाँ है, कौन सा होगा जिसमें कि स्थिति का सबसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट चले, अग्रीड, सारे लोगों को तर्क समझ आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 4 का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो आपने बता दिया, ठीक है, 3 होगा विकल्प, और चौथे क्वेश्चन का क्या होगा ये बताइए आप। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है शिक्षकों की भूमिका है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं, शिक्षकों की भूमिका है, यानी कि द रोल ऑफ द टीचर इज, जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है ये बताना है। पहला है ज्ञान का संप्रेषण करना, यानी कि जो नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज को क्या करना, कम्युनिकेट करना बच्चों तक, टीचर की भूमिका दे रहा है पहला, ज्ञान का संप्रेषण करना मतलब ज्ञान को कम्युनिकेट करना बच्चों तक। दूसरा छात्रों को अनुशासन में रखना है ना, कीपिंग द चिल्ड्रन इन डिसिप्लिन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स, ऐसे कि भाई बच्चों को एकदम चुप रहो, साइलेंट रहो, बात मत करो, बोलो मत, सवाल मत पूछो, ऐसे कैसे देख लिया, ये सब करना, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा, सही नहीं है उतना।
छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। फोर का फोर्थ आप लोग दे रहे हो, तो थोड़ा सोचो एक बारी, शिक्षकों की जो भूमिका है वो क्या है? छात्रों को अनुशासन में रखना, क्या ये सही होगा? या नॉलेज को कम्युनिकेट करना सही होगा कि आए और अपना नॉलेज आप तक पहुंचाया और चले गए, क्या ये होगा क्या? या तीसरा जो सबसे अच्छा विकल्प होगा, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, मतलब क्रिएटिंग लर्निंग। लर्निंग को आप क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। कैसे क्रिएट कर रहे हो? लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव मेथड से। ठीक है, क्रिएटिंग लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव मेथड। तो भाई इसमें तो सब चीज आ गई ना, कि हम क्या करेंगे कि भाई बीइंग अ टीचर हमें बच्चों को इस तरीके का अवसर देना है, कक्षा की रणनीतियां ऐसी अपनानी है, मेथड्स ऐसे अपनाने हैं, टीचिंग एड्स ऐसे लेने हैं कि बच्चे खुद अपने आप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, क्रिएशन ऑफ नॉलेज हो सके। और ये कैसे हो सके? ये हो सके एक तो चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों के अनुभवों को महत्व देकर, बच्चों के द्वारा की जाने वाली अनुक्रियाओं को महत्व देकर, बच्चों के खुद के अपने एक्सपीरियंसेस को और उनके एक तरीके से थॉट प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंस देकर, उनकी जरूरत, उनकी सीखने की क्षमता है ना, उनकी जो सीखने की नीड्स हैं, उनकी जो सीखने की गति है, उसके हिसाब से हम उनको सिखा कर करें। ऐसा अंतः क्रियात्मक तरीके से हो, यानी कि बातचीत के माध्यम से हो। आए ऐसा ना हो कि आए लिखो सुनो जो मैं कह रहा हूं वो डिफिनेशन याद करो, ये तरीका नहीं। पहले वाले में यही तरीका आ रहा है कहने की, कि आया नॉलेज को कम्युनिकेट किया चले गए, कि भाई लिखो ये इंफॉर्मेशन है इसको याद कर लेना, वो सही नहीं है तरीका। सही तरीका क्या है? इंटरैक्टिव तरीके से भाई तर्क वितर्क करते करते हम बच्चों के मन में कोई विचार जन्मने दें, पैदा होने दें, सृजित होने दें, जैसे बीज रोपण होता है वैसे हो। ये ना हो कि फसल की कटाई की और लाके आपको पकड़ा दी। ठीक है, आपको अपने ज्ञान का बीज खुद बोना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं, अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं। तो तीसरा विकल्प जो है वो सबसे बेहतर विकल्प माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक्टिविटी एक तो बेस्ड मेथड आ रहे हैं, अन इंटरैक्टिव आ रहा है, और साथ ही साथ चाइल्ड सेंट्रिक। तो इसमें पूरा जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो रचनावाद हम पढ़ते हैं ना, जीन पियाजे वाइगोस्की का तो थॉट प्रोसेस है, या जो मान लीजिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम पढ़ते हैं किसका, जॉन डेवी का, या मान लीजिए जो हम प्रैग्मेटिक थिंकिंग पढ़ते हैं, किल पैट्रिक वगैरह का, मौर्य मॉन्टेसरी का, या मान लीजिए जो हेलेन पाकहर्स्ट वगैरह की जो थ्योरी है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो सबके अनुसार यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म कह लीजिए आप इसको, चाहे आप कह लीजिए इसको जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है जॉन डेवी का, ये सब इसी चीज की वकालत करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है जॉन डेवी का, प्रगतिशील शिक्षा जिसको कहते हो आप, या फिर आप प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है टीचिंग की, प्रैग्मेटिक यानी प्रयोजनवादी जो शिक्षा होती है, इसकी बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हो गया एक तरीके से जो रचनावाद है, ये सब किसकी वकालत करते हैं? जो यहाँ पे तीसरा विकल्प है इसी की वकालत करते हैं। आई बात समझ में? तो आप रचनावादी जो प्रक्रियाएं हैं उनको महत्व देंगे, प्रैग्मेटिक थ्योरीज को महत्व देंगे, और एक तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन को महत्व देंगे। ये तीनों ही इसी आइडिया पर बेस्ड है। तो तीसरा आंसर इसका सबसे अच्छा आंसर कहलाएगा। फोर का क्या हो जाएगा आंसर? तीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने, देखिएगा। स्वाति का, आरती का, मीनाक्षी का, सबका तीन आ रहा है। समझ आया? आरती चार क्यों नहीं होगा सुकन्या, है ना? क्योंकि तीसरा जब ऑप्शन ना होता तब हम भले लेते, लेकिन तीसरा ऑप्शन है तो बेस्ट आंसर यही बनता है। आपको बेस्ट ही तो चुनना है, सारे इसमें से बेस्ट नहीं है। पांचवा देखिए, सर्व शिक्षा अभियान फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। बताइए, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है, 8 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है, 10 से 12, या 4 से 15, क्या है? सबको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान किस उम्र से किस उम्र तक है ना, और इसी के ऊपर बेस्ड है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी। तो कहीं ना कहीं जो सर्व शिक्षा अभियान का उत्तर होगा वही राइट टू एजुकेशन का भी उत्तर हो जाएगा। जो सर्व शिक्षा अभियान का उत्तर होगा वही किसका उत्तर हो जाएगा? राइट टू एजुकेशन का भी हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का? सबको पता होगा ये तो, 1 होगा है ना, 6 to 14 years। तो 5 का क्या हो जाएगा? 6 to 14 years, यानी कि 1। और ये जो 6 से 14 साल की उम्र है यही जो है राइट टू एजुकेशन जो है आपका 2000 एक्ट, 2009 का जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट
2009 है ना, या आप इसको बोल सकते हो कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है ना, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, इसमें भी यही एज बताई गई है। और इसमें बस एक चीज है कि इसमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो चाइल्ड है, जो नॉर्मल चाइल्ड है, जो सामान्य बच्चा है, सामान्य जरूरत का बच्चा है, उसके लिए तो 6 से 14 साल बताई गई है। लेकिन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इनके लिए ये एज कितनी बताई गई है, 6 से 18 साल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 6 से 18 साल, जो एक तरीके से मानक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 साल शिक्षा की व्यवस्था फ्री और कंपलसरी होगी, जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 साल होगी राइट टू एजुकेशन एक्ट में, है ना। और सर्व शिक्षा अभियान में जो बात है उसमें क्या आंसर आ जाएगा, 6 से 14 साल। अगर सामान्य क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए डिसेबिलिटी का नाम नहीं ले रहा है, तो हम 6 से 14 साल ही लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर। तो 5 का 1 हो गया, 6 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। 6 to 14, ये सारथी, स्मिता, मीनाक्षी, एजाज, सबका सही है, प्रियंका, गगनप्रीत, अनुज, सभी लोगों का सही है, वर्षा, स्वाति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग बताएंगे क्या आंसर होगा। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है उस पर अधिक ध्यान देकर, दूसरा उसे अधिक पुस्तकें देकर, तीसरा है उसे अधिक समय देकर, चौथा है उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। यानी कोई अगर प्रतिभाशाली बालक है क्लास में, आपके गिफ्टेड या टैलेंटेड चाइल्ड है, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्या? स्लो लर्नर पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, न कि प्रतिभाशाली पे। ठीक, उसे अधिक पुस्तकें दे देंगे, उसे अधिक समय देंगे, अधिक समय की जरूरत भी किसको होगी, स्लो लर्नर को होगी, जो कि जल्दी नहीं सीख रहा, जो धीरे धीरे सीख रहा है, जो टैलेंटेड है या प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है, वो तो जल्दी सीख जाता है। फिर चौथा है उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, यानी कि गिविंग इनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि भाई सामान्य लर्निंग से ज्यादा उसको हम अगर सिखा दें, उसको और बेहतर कंसेप्ट डेवलप कर दें, उसको और हम हायर लेवल की जो थिंकिंग, हायर थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, HOT, यानी कि हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी कि उच्च स्तर की जो चिंतन प्रक्रियाएं हैं, है ना, उस तरीके की कुछ, उसको हम अधिगम अनुभव दे सकते हैं। तो इनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि भाई और बेहतर अधिगम अनुभव प्रदान करना। भाई गिफ्टेड बच्चा है, तो जो काम वो 10 मिनट में दूसरे बच्चे सीख रहे हैं, उस काम को वो 7-8 मिनट में सीख जाएगा, 6 मिनट में सीख जाएगा, तो बाकी के 4 मिनट वो खाली ना बैठे। इसके लिए जरूरी क्या है कि हम उसको ज्यादा इनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, उसको हम ज्यादा डिफिकल्टी लेवल प्रोवाइड करें, ज्यादा उसको हम एक तरीके से कह लें कि हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस की तरफ लेके जाएं, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ क्वेश्चन को घुमाएं, ताकि वो बच्चा ज्यादा क्रिएटिव हो सके, ज्यादा डाइवर्जेंट हो सके, अपसारी चिंतन का विकास कर सके, ओरिजिनेशन आ सके उसके अंदर, मौलिकता का भाव आ सके, नए विकल्पों की तलाश वो कर सके, ठीक है, नए नए समाधान ढूंढ सके, ताकि उसका अधिगम अनुभव जो हो वो सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा संवर्धित हो। क्यों संवर्धित हो? क्योंकि उसकी क्षमता योग्यता अधिक है सीखने की, तो वो उसकी पनिशमेंट, मतलब उसकी गलती नहीं है ये कि हम उसको अवॉइड कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, है ना। न तो यहाँ पे सिर्फ ज्यादा समय देकर काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा समय या ज्यादा ध्यान किस पर देना है, जो स्लो लर्नर है कक्षा का, स्लो लर्नर की भी आवश्यकता विशिष्ट है और गिफ्टेड की भी आवश्यकता विशिष्ट है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है ना। और अधिक पुस्तकें देना तो यूं ही है, उसका कोई मतलब नहीं, अगर वो पुस्तकें लेके भी रख लेता है तो कोई फायदा थोड़ी हुआ इससे उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है, आंसर तो सबके सही आ रहे हैं इसके, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये चीज बता समझ लेना आप, HOT का मतलब क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। और एक और चीज समझ लेना कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, क्या ये CWSN के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। CWSN का मतलब हो गया चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि विशिष्ट आवश्यकता के बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हम कहेंगे इनको। तो आप मुझे बताइए कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, इनके अंदर क्या गिफ्टेड चाइल्ड आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना, मैं बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, गिफ्टेड या टैलेंटेड जिसको आप कह रहे हो यहाँ पे,
गिफ्टेड होना कई चीजों पे निर्भर करता है, टैलेंट पे भी निर्भर करता है, आईक्यू पे भी निर्भर करता है, क्रिएटिविटी पे भी निर्भर करता है, मोटिवेशन पे भी निर्भर करता है। ये सारी चीजें जब होंगी तभी गिफ्टेड बच्चा कहलाएगा, या कोई एक चीज होगी तब भी, है ना। तो प्रतिभा संपन्न जो बच्चा है या प्रतिभाशाली जो बच्चा है ये आएगा कि नहीं स्पेशल नीड में? भाई सामान्य से तो अलग नीड है ना इसकी, जब सामान्य बच्चे से अलग नीड जिसकी भी होगी वो CWSN कहलाएगा। इसी में जैसे अंडर अचीवर भी आएंगे, देखो अंडर अचीवर्स भी आएंगे, यानी कि कम उपलब्धि वाले जो बालक होते हैं वो भी आएंगे। कम उपलब्धि वाले बालक यानी कि क्षमता उनकी है लेकिन उपलब्धि क्या है, कम है। ये मैं हटा दूंगा क्वेश्चन, तब तक आप 7 का आंसर करो। कम उपलब्धि वाले बालक भी आएंगे इसके अंदर, अंडर अचीवर्स, स्लो लर्नर्स भी आएंगे, स्लो लर्नर्स भी आएंगे इसमें, यानी कि मंद गति से सीखने वाले बालक, मंद गति से सीखने वाले बालक ये भी आएंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी शामिल होंगे, चाहे वो डिसेबिलिटी फिर किसी भी स्तर की हो, अक्षमता जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे, डिसेबिलिटी वाले बालक भी आएंगे। अब ये डिसेबिलिटी चाहे जिस भी स्तर की हो, फिजिकल लेवल पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, चाहे एक तरीके से संवेदी स्तर पे हो, है ना, चाहे सेंसरी डिसेबिलिटी हो, सुनने बोलने या दिखाई देने की अक्षमता हो, चाहे मान लीजिए हम कहें बुद्धि से संबंधित अक्षमताएं हो, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस वगैरह, मानसिक रुग्णता वगैरह हो, चाहे हम कहें शारीरिक अक्षमताएं हो, जैसे कि पाल्सी हो गया, लकवा मार जाना जिसको कहते हो आप, या फिर ड्वार्फिज्म हो गया, या इस तरीके की चीजें हो गई, वो इसमें आ जाएंगी। तो डिसेबिलिटीज भी आ जाएंगी, तो ये सारे के सारे CWSN में ही आते हैं, ये ध्यान रखना है। 7 नंबर का आंसर क्या होगा ये बताना है। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हैं तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सब भी इसी में आएंगे। देखो जो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं ना, ये प्रॉब्लम चाइल्ड भी इसी में आएंगे, ये भी कहीं ना कहीं CWSN के अंदर गिने जाते हैं, समस्या बालक जो कि अनुशासन में समस्या पैदा करते हैं, शरारत करते हैं, इसी में से डेलिक्वेंट निकल जाते हैं कुछ, है ना, अपराधी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, नशाखोरी में चले जाते हैं, तो ये सब भी स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं, इनको भी सामान्य बच्चों से अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कक्षा का एक शरारती बालक है जो अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हैं तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, पर्यवेक्षण विधि, सर्वे मेथड हो गया, केस स्टडी मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशन। अभी हटा दूंगा सुकन्या में, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर। सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन, क्या होगा भाई, ऑब्जर्वेशन ही होगा, दो कैसे होगा आरती, है ना। केस स्टडी मेथड यहाँ पे क्या करेगा, कोई एक बच्चा है मान लीजिए वो बदमाशी कर रहा है अगर, तो हम दूसरे बच्चों के केस को यहाँ पे पढ़ के उस बच्चे का समाधान कैसे निकाल पाएंगे, हर बच्चा क्या एक जैसा है क्या, या हर बच्चा विशिष्ट है, अपने आप में यूनिक है, बताइए। केस स्टडी मेथड तो वहां पे होता है जहां पे कि सिचुएशन सेम हो, है ना, अगर हमारी प्रॉब्लम पहले आ चुकी प्रॉब्लम है, पहले की प्रॉब्लम है, तो उसको हम उससे डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशियां कर रहा है और उसका हमको कारण जानना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, उसको कुछ दिनों तक देखेंगे, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, टीचर्स के साथ उसका क्या बिहेवियर है, बच्चों के साथ क्या बिहेवियर है, उसकी संगत कैसी है, घर पे वो क्या बिहेव करता है, माता पिता से कैसी बातचीत है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बेस्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड इसमें सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट ये, है ना। केस स्टडी मेथड कब होता है, जब कोई समस्या पहले से आई हो और उसी समान स्थिति में हमको उसको लागू करना हो। सर्वेक्षण विधि होती है जहां पे कि हम सर्वे करके प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं अलग अलग जगहों से और उनको फिर हम अप्लाई करते हैं अपने भविष्य के लिए। प्रायोगिक विधि होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की, हम किसी चीज को, मान लीजिए हमारा अजम्पशन है, कोई हमारा हाइपोथेसिस है, किसी चीज को हम सही या गलत मानते हैं, अब उस चीज को हमें वेरीफाई करना है तो हम उसको लागू करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो सर्वेक्षण प्रायोगिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर किया जाएगा उसके बिहेवियर को। क्वेश्चन हटा देता हूं, मैंने आपसे क्या पूछा था इसके पहले कि जो CWSN का कॉन्सेप्ट है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का, उसके अंदर देखो एवरेज के अलावा जितने भी बच्चे हैं प्लस या माइनस, यानी कि इसके अंदर जो है एवरेज जो चाइल्ड है, एवरेज चाइल्ड जो होता है यानी कि जो सामान्य बच्चा होता है,
सामान्य या औसत बालक जिसको हम कहते हैं ना, सामान्य बालक कह सकते हैं इसको या क्या कह सकते हैं, औसत बालक। ठीक है, इससे जो भी बच्चे ऊपर हैं वो भी आएंगे, इससे जो भी बच्चे नीचे हैं वो भी आएंगे, यानी औसत से निम्न उपलब्धि वाले या निम्न क्षमता वाले जो बच्चे हैं और जो उच्च क्षमता वाले बच्चे हैं, ये दोनों ही स्पेशल नीड की डिमांड करते हैं। इन दोनों की ही आवश्यकताएं सामान्य बच्चों की तुलना में क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चे कहीं ना कहीं किसमें आ जाएंगे, ये दोनों ही बच्चे आ जाएंगे किसमें, स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स में, ये ध्यान रखना है। तो सामान्य से ऊपर, सामान्य से नीचे जो भी बच्चे हैं वो सब कहीं ना कहीं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाएंगे। तो सामान्य को छोड़ के बाकी ऊपर नीचे जो भी बच्चे हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर पे आते हैं, 7 तो आपने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षक की भूमिका, फिर से क्वेश्चन आ गया वही वाला, लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा अलग तरीके से विकल्प बन गया, है ना। पहले भी एक क्वेश्चन आपने किया था, शिक्षक की भूमिका क्या है, रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे भी आ गया, है ना, उसमें आंसर था सारे। इसमें देखिए क्या आंसर है, इसमें है ज्ञान का स्थानांतरण करना, यानी कि नॉलेज ट्रांसफर करना, ये मैंने बताया था, ये नहीं है, है ना, कम्युनिकेटिंग नॉलेज नहीं है, क्योंकि टीचर अगर आएगा और ज्ञान को ट्रांसफर करके चला जाएगा तो फिर उसने बच्चों को खुद सीखने का अवसर नहीं दिया, उसने क्रियाविधि से सीखने का अवसर नहीं दिया, लर्निंग बाय डूइंग का मौका नहीं दिया। तो क्या टीचर की ये भूमिका है कि भाई अपना नॉलेज ट्रांसफर कर दे बच्चों में, चला जाए पेन ड्राइव लगा के दिमाग में, ऐसा है क्या, नहीं है। ये कब था, जब हम नॉलेज सेंट्रिक परीक्षा की बात, नॉलेज सेंट्रिक शिक्षण की बात करते हैं, नॉलेज सेंट्रिक टीचिंग की बात करते हैं, या ज्ञान आधारित शिक्षण की, या फिर जब हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स की बात करते हैं, यानी कि शिक्षक केंद्रित, तो मानते हैं कि भाई शिक्षक जो है वो जो है ज्यादा उत्कृष्ट है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है, उसके पास अधिक नॉलेज होती है, वो महान है, और वो क्या करेगा, वो अपने ज्ञान को बच्चों में डाल देगा तो बच्चे भी उन्नत हो जाएंगे, बच्चों का भी विकास हो जाएगा, ऐसा माना जाता था जब हम गुरु को महत्व ज्यादा देते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो व्यवस्था थी ये आदर्शवाद के अंदर होती थी, आइडियलिज्म के अंदर होती थी, और इसमें गुरु को ही सब कुछ मान लिया जाता था, और बच्चे का व्यवहार कैसा होता था, गुरु ने जो आया दिया कर, लेकिन तब भी जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो क्या था, गुरुओं का, बच्चों को वो करने का मौका देते थे, वो जंगलों में बच्चों को कैसे जीवन निर्वाह करना है वो सिखाते थे, तीरंदाजी कैसे करनी है वो सिखाते थे, भिक्षा लेकर अपना पेट पालन कैसे करना है वो सिखाते थे, व्यवसाय कैसे करना है वो सिखाते थे, यानी हर चीज प्रैक्टिकल थी आश्रम व्यवस्था में। तो मेथड उनका भी कैसा था, कंस्ट्रक्टिव था, ठीक है, लेकिन ये था कि गुरुओं का महत्व था, आज भी गुरुओं का महत्व है, फैसिलिटेटर का महत्व तो रहेगा, लेकिन भूमिका उनकी नॉलेज को ट्रांसफर करना नहीं है बल्कि बच्चों को सीखने का अवसर देना है। दूसरा ज्ञान देना, ये भी वही बात हो गई, नहीं होगी। तीसरा कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, यानी कि बच्चों को स्किल के लिए ट्रेनिंग देना, वो एक पक्ष है, सारा पक्ष नहीं है उसमें शामिल, है ना। और चौथा ज्ञान का निर्माण का सरलीकरण, बेस्ट आंसर है। तो मैंने क्या बताया कि फैसिलिटेटिंग ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बच्चों को अपने खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, क्रिएट करने में फैसिलिटेट करना, यानी कि सुविधा प्रदान करना। इसलिए टीचर को कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा गया है, या एनसीएफ 2005 में फैसिलिटेटर कहा गया है। टीचर को कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर और इसमें आपके जो एनसीएफ है उसमें क्या कहा गया है, फैसिलिटेटर के रोल में देखा गया है। ठीक है, तो टीचर इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटर, टीचर को क्या कहा जाता है, फैसिलिटेटर कहा जाता है, किसमें, एनसीएफ 2005 में। क्यों, क्योंकि एनसीएफ 2005 किस पर बेस्ड है, यह बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे। यह भी क्वेश्चन कई बारी आ चुका है तो आप लिख लीजिएगा इसको, रचनावाद पर आधारित है क्या एनसीएफ 2005 हमारा, जो है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा कह लीजिए चाहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में हम इसको लिख देंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, या लिखा जाता है इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जैसा लिखना चाहो आप। तो ये जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर आधारित है, या किस पर बना हुआ है, किस पर डेवलप किया गया है, किस विचारधारा पर, तो हम कहेंगे रचनावाद पर, जो भाई को उसकी पियाजे वगैरह की विचारधारा है उस पर, और उसमें टीचर को क्या माना गया है, फैसिलिटेटर, है ना। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8th का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अब 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं हमारे सामने, उनको भी करते हैं जल्दी से। तो
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, क्या होगा इसका आंसर? समझ में आ रही है क्लास सबको? क्वेश्चंस तो सबको समझ आ रहे हैं आज, है ना? और कुछ कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बताते जाऊंगा, तो इसको नोट करते चलना है अपनी कॉपी में। मॉक टेस्ट 1 में जो नई चीजें आई उसको आप नोट करते चलो। देखोगे आप 5 to 7 की क्लास जो होगी उसमें और जो अभी की क्लास हो रही है इसमें इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपका पूरा सिलेबस न सिर्फ रिवाइज हो जाएगा, साथ में आप पढ़ते चलोगे ही क्लास, वहां पे कंटेंट डिस्कशन जो है और एक तरीके से एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी मेरे ख्याल से। मतलब यू कैन स्कोर 80% प्लस मार्क्स इजिली, क्योंकि 80% तक क्वेश्चन स्कोर करने में मुश्किल नहीं आती है अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो सारा। तो क्वेश्चंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में कुछ नए प्रश्न मिलेंगे जो कि हम सामान्यतः नहीं पढ़ते होंगे या छोड़ देते होंगे, है ना, या किताबों में नहीं मिलते हैं जो, है ना, मोस्टली उसको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो चीज यहाँ पे जब हम क्वेश्चन डील करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी सामने हमारे, हमको करना ही पड़ेगा, फिर वो छोड़ के जा नहीं सकते। 9 नंबर का आंसर 4 आने लग गया प्रियंका का, उमेश कुमार शर्मा का, ठीक है, अनुज जी कह रहे समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया है। 9 नंबर देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक हैं। मतलब फॉर अडाप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर अ स्टूडेंट नीड्स फॉलोइंग लाइफ स्किल्स। बच्चों में कौन से लाइफ स्किल्स होने चाहिए, कौन से जीवन कौशल, जीवन कौशल का मतलब ऐसे स्किल्स जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है, जीवन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको डील करने के लिए जरूरी है, ठीक है। और वो पूछ रहा है किसके लिए, अनुकूलीय और सकारात्मक व्यवहार। जैसे मान लीजिए एकदम से कोरोना वायरस आ गया, अब कोरोना वायरस की वजह से हम सबको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ा, हम सबको अनुकूलित करना पड़ा, अडाप्ट करना पड़ा इस सिचुएशन को। जबकि इसमें आप सोच के देखोगे भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो 2 दिन बाहर ना निकले तो सर पकड़ लेते होंगे अपना, दर्द के मारे उनका सर दुखने लगता रहा होगा, घर से बिना निकले, मार्केटिंग किए, शॉपिंग किए या बाहर गए, ठीक है, दोस्तों से मिले। अभी क्या हुआ कि 21 दिन लगातार घरों में है लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग अडाप्टिव हैं। ह्यूमन बींग इज अ स्पेसी जो कि अडाप्टिव होती है, जो कि एडजस्ट कर लेती है, तो हमने अडाप्ट कर लिया खुद को। और पॉजिटिव बिहेवियर भी बना के रखना है, नेगेटिव भी नहीं होना कुछ लोगों की तरह कि भाई रोने लग जाएं या फिर प्रेशर में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, है ना, या फिर कुछ विरोध में आ जाएं सर व्यवस्था के और बाहर निकल जाएं कि नहीं हम तो निकलेंगे, देखते हैं क्या कर लेता है कौन, वो भी नहीं करना है। तो पॉजिटिव भी बने रखना है और अडाप्ट भी करना है सिचुएशन को। तो उसमें क्या चाहिए होगा, पहला दे रहा है इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन की क्षमता अच्छी हो, दूसरा निर्णय लेने की योग्यता हो, भाई हम डिसाइड करने में पीछे ना हटें, हम सिचुएशन टू सिचुएशन डिसीजन ले सकें, एकदम जरूरी है ये। तीसरा भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य बैठा सकें, ये सबसे जरूरी है कि भाई हम अपने इमोशंस और अपनी जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, इसमें क्या कर सकें, स्ट्रेस और इमोशंस के बीच में कोप कर सकें। कोप अप करने का मतलब होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेट करना, समन्वय स्थापित करना, उसके साथ डील करना हमें आना चाहिए। नहीं तो इमोशनली हम परेशान होकर एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर या तो गलत कदम उठा लेंगे या तो हम पता चलेगा नियमों का उल्लंघन कर देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए स्ट्रेस में, है ना, बैलेंस करना आना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 5 to 7 वाली क्लास शो नहीं हो रही, नहीं होगी ना बेटा आरती, 5 to 7 वाली क्लास बेटा यूट्यूब पे होती है ना, तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाना, वहां पे मिल जाएगी, उसको आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो बढ़िया है, नहीं किया हो तो कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना। और वो रोज ही हो रही है तो उसमें फिलहाल आपको आना ही है, अगर नहीं होगी तो वहां पे इवेंट नहीं मिलेगा आपको, अदरवाइज होगी 99% केसेस में होगी। अब जब नहीं हुआ करेगी तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे कम्युनिटी पे अपडेट करा दिया करेंगे, चलो ठीक है। बाई चांस किसी दिन अगर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या मान लीजिए कुछ ऐसा लग रहा है, तबीयत डाउन लग रही है कि यार नहीं करने का मन कर रहा है काम, कभी कभी होता है, देखो आपको भी पता है ना, थकान है या कुछ है, घरों में कैद हैं सारे लोग ना, तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल रीजन आता है और हम क्लास नहीं लेने वाले हैं तो हम आपको कम्युनिटी वॉल पे यूट्यूब चैनल के अपने सीजीएस कोचिंग के लिख दिया करेंगे, ठीक, वहां चेक कर लेना। अदरवाइज 99% केसेस में क्लास लगेगी आपकी, है ना, तो वो आपको यूट्यूब पे मिला करेगी, सुबह वाली भी और शाम वाली भी, बाकी बैच वाली बैच में, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 9 नंबर का, 9 नंबर का आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, 4 ही होता जा रहा है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं एक, फिर आप लोग जो है लंच वंच करने के लिए भी मेरे ख्याल से पेटों में चूहे कूद रहे होंगे, है ना। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 ही लगा दिया मैंने क्या, वापस सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने आ गया।
यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, आप बच्चे से प्रश्न पूछते हो, बच्चे के पास उत्तर नहीं होता, तो कई बार टीचर्स के पास भी नहीं हो सकता उत्तर। ऐसा थोड़ी है कि टीचर जो है सब कुछ जानता है। ठीक है, तो वो स्थिति अगर आ गई आपके साथ क्लासरूम में, तो आप क्या करोगे? यही पूछ रहा है। इफ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन ऑफ विच यू डोंट हैव एनी आंसर, व्हाट विल यू डू? यू विल, आप क्या करोगे? आप, पहला ऑप्शन क्या है, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, मतलब यू आर आस्किंग रबिस क्वेश्चन, है ना, रवीश कुमार वाला रबिस नहीं है ना, खराब वाला। तो हम क्या कहेंगे, टेल द स्टूडेंट दैट हिज क्वेश्चन इज सेंसलेस, बेकार क्वेश्चन है यार, ये क्या पूछते हो, है ना, कई टीचर ऐसा कहते होंगे। दूसरा, ट्राई टू अवॉइड, आप उसको भूलने की कोशिश करोगे, अवॉइड करने की कोशिश करोगे कि जैसे मैंने सुना ही ना हो, है ना, टाल दोगे। तीसरा है, एक्सप्लोर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड कन्वे हिम नेक्स्ट डे, आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे अपने लेवल पे और उसको फिर अगले दिन बच्चे को बता दोगे। तीसरा, रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन, उसको डांट लगाओगे, झिड़क दोगे, परेशान कर दोगे, बच्चे को टारगेट कर दोगे, अच्छा बहुत क्वेश्चन पूछते हो तुम, चलो मैं पूछता हूँ, तुम बताओ, तो देखो भैया इनसे हम पूछते हैं क्वेश्चन आज, अब वो इंसल्ट करने वाली बात हो जाएगी, तो वो बच्चा दोबारा कभी पूछेगा ही नहीं आपसे और आपकी क्लास में भी बैठना छोड़ देगा धीरे धीरे, है ना, तो ये ठीक तरीका नहीं है। तो तीन जो है, विकल्प संख्या तीन यही बेस्ट आंसर है कि हम क्या करेंगे भैया, एक्सेप्ट कर लेंगे, हर किसी को हर चीज हमेशा थोड़ी आती है ना, कुछ चीजें कॉन्सियसनेस में है, कुछ चीजें सबकॉन्सियस में है, याद नहीं आया उस समय, कोई नहीं है अनकॉन्सियस में है, कोई पता चला हमने पढ़ाई नहीं है, नई चीज पूछ ली है परीक्षा में, तो आपको भी नहीं आती, हमें भी नहीं आती, आपने पूछ लिया तो हमारा फर्ज यह है कि हम उस चीज को स्वीकार करें, बच्चे को गलत ना बताएं, अवॉइड ना करें क्वेश्चन को, और साथ ही साथ बच्चे को इसके लिए हम डांटे ना, ना तो ये कहें कि तुम्हारा क्वेश्चन इरेशनल है, अगर इरेशनल है तो भी उसको हम लॉजिक दें और समझाएं कि बेटा दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, या ये क्वेश्चन क्रिएट होता ही नहीं है, अगर ऐसा है तो लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, कोअर्सिव तरीके से, दबावपूर्ण तरीके से आप उसको शांत करोगे तो ये ठीक बच्चे के लिए नहीं होगा, उसके विकास के लिए नहीं होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं होगा, आलोचनात्मक जो चिंतन है उसका, वो उससे क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन विच इज राइट, है ना, तीसरा विकल्प ही सही है इसमें।